रेवाड़ी के कोंसीवास रोड स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल में आज वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर कविता गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि टीचर शिल्पकार होते हैं जो एक बच्चे के भविष्य को बनाने में अहम योगदान निभाते हैं। अच्छे शिल्पकार का जिक्र करते करते बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिन्होंने कहा कि अगर आजादी के समय देश को अच्छा शिल्पकार मिल गया होता तो आज हमारा देश विश्व गुरु बनने के रास्ते को काफी हद तक तय कर लेता। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। उन्होंने कहा कि जो ये कहा गया उसके कुछ मायने भी होंगे, क्योंकि इंसान धीरे धीरे जितना बड़ा होता है उतनी मिलावट उसमें बढ़ती जाती है। उन्होंने सभी से देश निर्माण में सहयोग करने की अपील भी की। इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव जो था उसमें मुझे बुलाया गया था और मुझे बेहद खुशी हुई कि नर्सरी के बच्चे भी इतनी उनका चहुमुखी विकास स्कूल के माध्यम से हो रहा है। वो मंच से इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन आप सबके सामने कर रहे थे, जबकि हमारे ज़माने में तो 6 साल से पहले स्कूल में नहीं जाता था बच्चा, लेकिन आज 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के बच्चों की कला देख के ये मैंने महसूस किया। आज हमारे बच्चे आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं बधाई दूंगा स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के डायरेक्टर को, स्कूल के चेयरमैन को, प्रबंधक को, उनको। आज इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया है तो निश्चित तौर पे अच्छे शिल्पीकार, अच्छे शिक्षक रखे हैं, तभी एक एक बच्चे को बारीकी से तैयार करने का काम किया है। इसलिए सबसे पहले उन सब शिक्षकों को बधाई देता हूँ। एक शिल्पीकार की बात आ रही थी कि आज़ादी के समय शिल्पीकार सही होता तो आज स्थिति कुछ और होती। निश्चित तौर पे देखिए, जब हमारा नेतृत्व ठीक हाथों में होगा और जब नेतृत्व ठीक हाथों में होता है तभी कहीं देश तरक्की करता है। रियल वैल्यूज़ के आधार पे, नैतिक मूल्यों के आधार पे समाज का निर्माण करने का काम करता है और वो आपने पिछले 8 साल से देखा भी होगा। तक भारतवर्ष की पूरी दुनिया में आज जंग का बज रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। अभी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो उससे साफ जाहिर है कि हमारी आज ताकत बढ़ी है। अगर भारत का झंडा दिखाने के साथ साथ जहां हमारे बच्चों को कोई सुरक्षित है, वहीं भारत का झंडा अपनी छाती पे, अपनी पीठ पे लगा के पाकिस्तानी लोग भी यूक्रेन से निकल रहे हैं। तो आज ये सम्मान मेरे देश के झंडे का बढ़ा है, मेरे देश का बढ़ा है। तो ये इन्हीं को मैं कहता हूँ कि अच्छे शिल्पीकार अब देश को मिले, इसलिए आज आपका विश्व में डंका बज रहा है।